हम लोग तो बिहार में बहुत शांति, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, बिहार में इस तरह का आपस का किसी खास कोई विवाद नहीं है। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इसे देख रहे हैं IVTV। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एंटी कन्वर्शन लॉ को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस तरीके का कोई भी कानून लागू नहीं होगा और साथ ही राज्य में सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को समान अधिकार है, उन्हें समान रूप से सुरक्षा दी जाएगी। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, पहले आप सुनिए। सर, बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिलने वाला है? बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिलने वाला है? सर, एंटी कन्वर्शन लॉ आ सकता है क्या बिहार में, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पे देखा जा रहा है विश्व मिशनरी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं बिहार में, तो क्या एंटी कन्वर्शन लॉ पे विचार करेगी सरकार? बिहार में पूरा का पूरा गवर्नमेंट अलर्ट है और शुरू से जान लीजिए कि इस तरह का कोई खास डिस्प्यूट नहीं। हम लोग तो बिहार में बहुत शांति, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो सब चीज में आज नहीं, आप अच्छी तरह जान लीजिए कि जब से हम लोगों को मौका मिला है बिहार में, हम लोगों ने ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से किया है, इसलिए यहाँ ये सब कोई समस्या नहीं। न्यूज़ 18 ने इन्वेस्टिगेशन किया है, पाया गया है कि कन्वर्शन अटेम्प्ट हो रहा है छपरा में। क्या पाया गया है वो अलग चीज होगा, लेकिन बिहार में इस तरह का आपस का किसी खास कोई विवाद नहीं, सब लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं और यहाँ सरकार की तरफ से इस पर ध्यान दिया जाता है। हम लोग तो बिहार में बहुत शांति, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो सब चीज में आज नहीं, आप अच्छी तरह जान लीजिए कि जब से हम लोगों को मौका मिला है बिहार में, हम लोगों ने ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से किया है, इसलिए यहाँ ये सब कोई समस्या नहीं। न्यूज 18 ने इन्वेस्टिगेशन किया है, पाया गया है कि कन्वर्शन अटेम्प्ट हो रहा है छपरा में। क्या पाया गया है वो अलग चीज होगा, लेकिन बिहार में इस तरह का आपस का किसी खास कोई विवाद नहीं। बता दें कि इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में एंटी कन्वर्शन लॉ की मांग लगातार तेज की जा रही है, और ऐसे में बिहार में क्या यह कानून लागू होगा या नहीं, ये सवाल जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम धार्मिक हिंसा होती है और यहाँ पर धार्मिक सौहार्द बना हुआ है, और ऐसे में यहाँ पर इस तरीके का कोई भी कानून नहीं लागू किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए IVTV के साथ। धन्यवाद। IVTV देखता है इंडिया।